नमस्कार प्रणाम। ये वीडियो एक सबक है हिंदू ला मुसलमान ला और हर एक जात ला जे जातिवाद करला हमेशा हमेशा सोचित रहा। अब कहानी का है कि कल एगो हमनी वीडियो ले ले ली हकला खान पे। जैसे वो मेन पर्पस वीडियो के हकला खान मतलब शाहरुख खान के बेटा से ना हलाय, मेन पर्पस हलाय अमिताभ बच्चन से। जे अमिताभ बच्चन के जो बिहार के लोग हैप्पी बर्थडे करके फोटो डाली थल थी महानायक हो के जो जर्दा पान खाला प्रचार करिया उफार के, तो हमनी ओकर बाइकोट करी थलिए सिर्फ इसलिए कि कोरोना काल में वो एक रुपया के कोई भी गरीब के मदद नहीं किया। तो इसी बीच हमने एक शाहरुख खान का लवंडा नजायज लवंडा जो ड्रग्स एडिक्टेड था ओकर नाम थोड़ा सा हम लोग ले लिए। तो असर इस कदर से हुआ कि देखिए लोग तो अब तक वीडियो में देखते आए होंगे आप सब कि अगर हम खेसारी लाल यादव जी पर वीडियो बनाएं तो पवन के गुर्गिया के गाली देंगे, अगर पवन सिंह जी पर बनाएं तो खेसारी गुर्गिया के गाली देंगे। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे में एक दूसरे को नीचा दिखाना, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली वे में ये कह सकते हैं कि अगर किसी जात को किसी जात के कलाकार को अगर हम टारगेट करते हैं तो दूसरे जात का लोग जो है वो आके हमारे वीडियो में मजा लेता है और उसी का जात को गाली देता है। कल के वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने बनाया अमिताभ बच्चन पे, हालांकि उसमें आर्यन खान को ले आया। अब कल हमने हिंदुओं में एक प्रगति देखा जो कि बहुत अच्छा लगा, बहुत सुधार के तौर पे उसको देखा जा सकता है। लेकिन मतलब अब नीचता का हद इस प्रकार से बढ़ गया कि आज तक जो हमारे इस मुहिम का समर्थन और सपोर्ट करते आ रहे थे खासकर मुस्लिम भाई, मतलब कल अगर 50,000 जो अब तक वीडियो को लोग देख पाए हैं, तो वीडियो में हमने क्या देखा, वीडियो में हमने ये देखा कि 50,000 व्यूज बहुत कम था मानते हैं, लेकिन उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों का कमेंट लगभग 2,000 था, जिसको हम दोनों भाइयों ने रात भर जाग कर और कमेंट को डिलीट करने का काम किया है। लेकिन अगर उसी पे हम कुछ रिएक्ट करके उस प्रकार के अगर हिंदू मुस्लिम वाला वीडियो बनाए तो तुम भड़वे कहीं का नहीं रहोगे, समझे कि नहीं। उस प्रकार की अपनी न मानसिकता है और न प्रवृत्ति है। हालांकि जो गलत करता है उसको हम सब गलत दिखाते हैं, लेकिन कल जो तुम सब खास करके मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं, जो हमारा समर्थन कर रहे हो, तो समर्थन करने वाले कनेक्टेड भी है पर्सनली, लेकिन उन नीच लोगों को कहेंगे कि जिस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति और छवि कल दिखाए हो, है ना, अच्छा नहीं लगा है, बस इतना कहेंगे। बिल्कुल, इससे साफ जाहिर होता है कि जो इंडिया है ना, वहाँ जो 50% इंडिया के मुसलमान लोग हैं और जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो लगता है आज भी जिंदा है। और कल एक बहुत बड़ा पिंच किया था, एक मुस्लिम का कमेंट था, वो आज भी टंगा हुआ होगा, कि कल जो मगहिया जवान को गाली दे रहे थे आज देखना सपोर्ट करेंगे। काहे कि चूतिये का पिंच था, पिंच स्टॉप में पिंच देखते है ना, मतलब काहे ऐसा लिखा पता है, क्योंकि मैंने खान पे वीडियो बनाया। अरे ये मानसिकता, लेकिन उसका ये छोटा सा शब्द ना फेल कर गया, क्योंकि हमारा एक सिंगल हिंदू भाई ना वैसे प्रवृत्ति से मैसेज नहीं किए ना कमेंट किए, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता खराब लगता है रे, कि अपने घर के घर में खाओ और घर के थाली में फिर छेद करो, अच्छा नहीं लगता है। जैसे तुम्हारा वो हकला खान करता है ना, उसमें एक और देखा होगा समार, एक मुस्लिम भाई बहुत, हालांकि वो भी अच्छे पद से जुड़े हैं, उन्होंने क्या कहा कि खान के सिवाय शाहरुख खान में यार है क्या, है ना। अब अगर आप मुस्लिम घर में जन्म ले लेते हैं, इसका मतलब नहीं कि आतंकवादी बन जाइएगा, बम लेके कूद जाइएगा, ऐसा नहीं ना, ऐसा वो कह रहे थे, लेकिन हम सब चाहते हैं कि इस प्रकार की चीजें आपस में ना हो जैसा तुम सब कर रहे हो। बिल्कुल, और ये जो सोच है हिंदुओं का कुछ मुसलमानों के प्रति, उसको बदलिए। ये हमेशा हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान में रहे वाला बात करके हिंदुस्तान में कैसे रह पाइएगा, हमको थोड़ा बताइए। और अब वो समय नहीं है, ये भी जाग लो और समझ लो, अब वो समय नहीं है कि तुम पाकिस्तान का गुणगान करोगे और हिंदुस्तान में रह लोगे। और जो कमेंट कर रहे थे, खोखा दिमाग नहीं है का,
हम शाहरुख खान के उस ड्रग एडिक्टेड बेटे को कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान को। अरे हमने एक छोटा सा बात रख दिया कि बॉलीवुड में ऐसा ऐसा है, ड्रग्स लेते हैं, इस टाइप के लोग हैं वहाँ पे। मानसिकता उसका वो नहीं है। ऐसा क्यों जल गई? उसका वो नहीं है समार, जैसे बताते हैं तुम अगर खेसारी लाल यादव जी को बोलते हो तो पूरा यादव परिवार को तो नहीं बोलते हो? नहीं, समाज को नहीं बोलते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके गुर्गे नाजायज औलादे आके गालियां देती है ना, ठीक उसी प्रकार से हुआ है। ये कौन सा बड़ी बात तो है? मुसलमानों में भी बहुत सारे जात होते हैं ना, जैसे शाहरुख खान किसी और जात से होगा, इंटरनली जो होता है खान है वगैरह, बहुत सारे चीजें होते हैं। लेकिन कल उसमें हमको क्यों नहीं देखने को मिला कि जो खान है सिर्फ वही गलियाए हैं? क्या है कि इस प्रकार के लोग हैं तो हम कहेंगे कि जितने भी मुस्लिम भाई लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो मानसिकता को बदलिए, तभी हिंदुस्तान बदलेगा। बिल्कुल। और है ना, हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं और बात सिर्फ हिंदुस्तान का करते हैं, है ना। अगर चाहेंगे कि हम अपने घर में रह के और बगल वाले घर का चर्चा करें तो ये ना होने वाला है, नहीं होगा, है ना। क्योंकि युवा जाग रहा है और जाग गया है। और गलत हमने क्या किया? गलत को गलत ही बोला ना। एनसीबी, जिसको एनसीबी पकड़ी थी, अब इन लोग एनसीबी पे लगा रहा है इल्जाम कि एनसीबी साला जलता है, बीजेपी जलता है, योगी जलता है। अब एनसीबी का कहना ही है लोग कि एनसीबी जो काम करती है ना वो बीजेपी के लिए करता है। बताइए, अरे मूर्ख, एक बात बताओ, जो एनसीबी के जो ऑफिसर पकड़े हैं वानखेड़े जी, उनका हम कहना चाहेंगे कि लोग कहता है कि बीजेपी के लिए काम करता है। अरे मूर्ख, कहो ना कि एनसीबी एक्टिव नहीं थी कांग्रेस के जमाने में, है ना। उसको अगर अभी शाहरुख के लौंडा अगला का लौंडा पकड़ाता ना तो छूट जाता। बिल्कुल। काहे? काहे कांग्रेस का सरकार था। बैठे थे सरकार। बिल्कुल। ये सब ना चलेगा। माननीय सम्माननीय आदरणीय हमारे कुछ किए या ना किए, मोदी जी यही आकर तो किए हैं, है ना, कि लोगों को बंद कर दिए, पद पैरवी पैसा, है ना। जो अब तक इतना पैसा है और समझीता हूँ तो नहीं कि आज तक मिनटों में रातों रात छोड़ देती है, है ना। लेकिन अब वो दौर ना है, है ना। तो सोचा और समझा और विचार कर है। एनसीबी जो हुआ ना है नरकोटिक्स ब्यूरो वाला, वो सबके हक में काम के करो ना करे, लेकिन हाँ सरकार और लोग इतना जागरूक हो गलती है। बिल्कुल। तू भी प्राउडली काम करी थी, आज एक ही को इंडस्ट्री में उनका चर्चे है, उनके ही है चर्चे है खाली। तो ये जो भाजपा सरकार है ये पूरा हिंदुस्तान के है, कोई हिंदू के ना है। हमारे जरा दिक्कत होबा होगा ना, वो हरा दिया है। आज तक जी दिक्कत केकरा होले से ना जानित है, जानित नहीं केकरा होले दिक्कत होले। दिक्कत तो आमिर खान के होले, शाहरुख खान के होले, आएगो हिंदुस्तान में आज रहने पे हमरा ये लगता है, है ना। यही सब क्यों के करो थे दिक्कत हनिये के होवा है। बाकी और दिक्कत ओकरा होई था जे अपन घर के खाके बगल वाला घर के गुणगान कर रहा है। नसरुद्दीन शाह के होवा है, नसरुद्दीन शाह के होई थे दिक्कत इंडिया में, दिक्कत होली के करा इंडिया में रहे, जबकि इंडिया से पैसा खूब छाप रहा, फिर भी कहाँ रही थे, फिर भी रहित कहाँ है, नहीं रहित है, बोल के भी डर के भी सुरक्षित रही थे इंडिया में। और ये इंडिया और हिंदुस्तान ही ऐसा देश हो ना, ये तोहनी के ना ये समझेंगे नीच भाषा और नीच प्रवृत्ति और सब गुंडागर्दी और ड्रामा ना बर्दाश्त करा हो। दूसर जगह हालांकि बर्दाश्त ना कर, ना कर तो रेल देता हूँ चाहे जहाँ मतलब जहाँ रही थे हुई थोड़ा डर सता तो हुई की बुराई करके फिर भी रही थे। तो सोच और समझ और विचार कर, खास करके आज एपिसोड बनाने के पीछे हमने की यही हलई मनसा कि लोग के बताइए कि इस प्रकार से निचता पर जातिवाद पर मत उतर, है ना। तो विदा लेवल चाहे हमने दोनों भाई, नमस्कार प्रणाम, जय मगह, जय बिहार।